इंद्र सरोवर मेट्रो स्टेशन। आप लोगों ने काफ़ी सुना होगा इस मेट्रो स्टेशन के बारे में। आप लोगों ने ऐसे ही सुना होगा कि ये स्टेशन बहुत ही ज़्यादा भूतिया है, एक हॉरर प्लेस है। लोग अक्सर बताते हैं कि रात को आत्माएं घूमती है स्टेशन में। लोग बताते हैं कि जितने भी पैसेंजर्स एंड जो को पायलट है वो आत्मा दिखती है। को पायलट ने तो ऐसा भी दावा कर रखा है कि ट्रेन के पटरियों पे, जो कि अंडरग्राउंड में है, बिना सिर वाला कोई इंसान है या भूत घूमता है, ऐसे चलता हुआ दिखाई देता है। आज इस वीडियो में हम लोग, रियल लाइफ इंसिडेंट है जो कि मुझे कोलकाता से ही एक स्टूडेंट ने सेंड किया, जो कि अभी फ़िलहाल कॉलेज के फर्स्ट ईयर में है। भाई ने नाम बताया एंड किस कॉलेज में भाई पढ़ता है वो भी बताया, पर मैं सिर्फ भाई का नाम ले सकता हूँ, कॉलेज या फिर कहाँ रहता है वो भाई ने मना किया मुझे। रात के 10 बजे के बाद उस स्टेशन में कोई भी जाने से डरता है। लोगों का ये दावा है कि अक्सर वहाँ पे आत्मा बिना सर का कोई घूमता हुआ दिखाई देता है, सफ़ेद साड़ी पहन के, सफ़ेद ड्रेस पहन के कोई दिखाई देता है, अजीब और गरीब साउंड सुनाई देता है, पर किसी को अब तक ठोस सबूत नहीं मिला कि वो क्या है, कौन है वो लोग, क्या असल में वो इंसान है या कोई और। हाय गाइस, मैं हूं सोनू आपके साथ और आप देख रहे हैं टॉक विद सोनू। वेलकम बैक टू अनदर न्यू एपिसोड ऑफ दिस चैनल। एंड आज का जो एपिसोड है ये वन ऑफ द मोस्ट स्केरियस्ट स्टेशन, मेट्रो स्टेशन जो कि मैं कवर करने जा रहा हूँ। तो फटाफट से एपिसोड को शुरू करते हैं। अगर आप भी चाहते हो कि आपका भी स्टोरी हमारे चैनल पे फीचर हो पाए, देन यहाँ पे देखो फॉर्मेट आ रहा है, फटाफट से जाओ एंड फिलअप कर दो। बढ़ते हैं हमारे एपिसोड की तरफ। आज का जो स्टोरी है वो हमें वेस्ट बंगाल से ही रिसीव हुआ है। एंड इस स्टोरी में दो फ्रेंड्स इंक्लूडेड है, एक का नाम है अमन और एक का नाम है मुकेश। ये स्टोरी नहीं है, ये रियल लाइफ इंसिडेंट है, मैं इसको स्टोरी की तरह बताऊंगा आपको। अमन एक ऐसे प्रॉब्लम में फंस जाता है, अगर आप इमेजिन भी करोगे अमन के जैसा कि आप उस जगह में फंस गए हो तो आपका दिमाग हिल जाएगा। आप सोच ही नहीं पाओगे कि आपके साथ हेलुसिनेशन हुआ या फिर कुछ और। तो आज का जो स्टोरी है वो रविंद्र सरोवर मेट्रो स्टेशन को लेके, जो कि आप लोगों ने सुना होगा ये एक भूतिया स्टेशन है, यहाँ पे बहुत सारे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होते रहते हैं। जो ट्रेन का लोको पायलट होता है, उस ट्रेन के लोको पायलट का दावा ऐसा होता है कि कोई लड़की सफ़ेद साड़ी पहन के रेलवे ट्रैक पे चलती है। जितना भी पैसेंजर्स उस स्टेशन में लास्ट ट्रेन का इंतज़ार करके लास्ट ट्रेन में अपना घर जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा है कि काम से आने के बाद लास्ट ट्रेन है, उन लास्ट मेट्रो ट्रेन ही उनका ऑप्शन होता है। तो उन पैसेंजर्सों का यही दावा है कि उनको अजीब और गरीब चीखने की आवाज़ें, किसी इंसान का परछाई दिखता है ट्रेन का वो जो सुरंग होता है वहाँ से, पर किसी को अब तक कोई ठोस सबूत नहीं मिला कि कौन है वो, असल में क्या वो इंसान है या फिर कोई आत्मा। तो आज ऐसे ही एक स्टोरी है अमन के साथ। बेसिकली अमन जो था वो बिहार से आया था। अमन को उतना सिटी लाइफ का मतलब अंदाज़ा नहीं था। एंड अमन का जो मतलब अमन बेसिकली कोलकाता में आया था पढ़ाई करने के लिए। एंड कोलकाता में आके अमन ने एक ट्यूशन क्लास में एडमिशन लिया जहाँ पे मुकेश पढ़ता था। एंड अमन के साथ मुकेश का बहुत बढ़िया दोस्ती हुआ। तो 10-15 दिन बीतने लगे, दोस्ती बढ़ी, तो फिर उन लोगों के बीच में ऐसा बातचीत हुआ। एंड पहले मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, अमन के घर से, अमन जहाँ पे ट्यूशन पढ़ने जाता वहाँ पे, मतलब वो ऐसा जगह था जिसके एकदम बाजू में वो रविंद्र सरोवर मेट्रो स्टेशन है, पर अमन को तब पता नहीं था, पर मुकेश को पता था। तो ऐसे ही एक दिन बातों बातों में मुकेश ने अमन से कहा कि तू इतना घूम के क्यों आता है, तुझे तो मतलब रास्ते में ही बहुत सारा तेरा टाइम वहाँ पे मतलब ख़राब हो जाता है, तो मेट्रो पकड़ के आया कर, तेरा बहुत टाइम सेव होगा। तो अमन ने कहा चलो ठीक है। एंड उसके साथ साथ मुकेश ने भी ये भी कहा था कि रात के टाइम पे मेट्रो स्टेशन को थोड़ा सा अवॉइड करना, क्योंकि वहाँ पे ये सब सारा कुछ है। तो अमन ये सब चीज़ों में बहुत यकीन करता था,
अमन को पता था अगर भगवान भी होते हैं तो शैतान भी होते हैं। तो अमन ने कहा ठीक है भाई, अगर तू बोल रहा है तो मैं रात के वक्त मेट्रो स्टेशन को अवॉइड करूँगा। उसके बाद जब भी ट्यूशन क्लासेस के लिए अमन आता था तो मेट्रो पकड़ के ही आता था। मैं आपको पहले क्लियर कर दे रहा हूँ एंड यहाँ पे स्क्रीनशॉट दे रहा हूँ, रविंद्र सरोवर जो मेट्रो स्टेशन है उसके पहले ही है रविंद्र सदन, उसके पहले है फूल बागानी। एंड रविंद्र सरोवर के बाद जो स्टेशन आता है वो सॉल्ट लेक सेक्टर 5, फिर सियालदा, फिर बहुत सारे ऐसे स्टेशन है। तो फिर एक दिन ऐसा हुआ, मुकेश का गर्लफ्रेंड का बर्थडे था। तो जैसे कि मैंने बताया कि अमन के साथ मुकेश का बहुत बढ़िया दोस्ती हुई, तो मुकेश ने अमन को कहा कि चल भाई आज रात को तेरे भाई की तरफ से पार्टी है, जो तू खाना चाहेगा, मतलब बहुत सारे और दोस्त थे, सब मेरे तरफ से, जो भी होगा वो सारा कुछ मेरे तरफ से है, तो आज रात को हमारे यहाँ पे आ जाना। एंड अगर घर जाना है तो मैं कैब का पैसा भी तुझे दे दूँगा, सर सारा कुछ मेरे तरफ से रहेगा, तू बस आ जाना। तो मन ने कहा चलो भाई ठीक है, मैं गांव का लड़का, कभी भी ये सब चीज़ देखा नहीं, एंड मुकेश एक अच्छा दोस्त मिल गया जिसने मुझे ये सब चीज़ों में मतलब पहली बार इनवाइट किया, तो अमन के मन में भी बहुत खुशी था। तो अमन ने मुकेश के गर्लफ्रेंड के लिए एक गिफ्ट खरीदा क्योंकि उसके बर्थडे देना है। तो अमन करीबन वहाँ पे शाम के 7 बजे मेट्रो पकड़ के पहुँच गए। एंड मैं बता देना चाहता हूँ कि मुकेश का जो घर था वो ट्यूशन क्लास के एकदम मतलब एकदम बाजू में था, मतलब हार्डली 500 मीटर टू 600 मीटर, मतलब पैदल चल के भी मुकेश का घर जा सकते हैं ट्यूशन क्लास से। तो फिर अमन 7 बजे मुकेश के घर पहुंच गए एंड वहां पे सारा कुछ सेलिब्रेशन वगैरह हुआ। एंड जैसे होता है सिटी लाइफ में, मतलब ऐसे बियर शियर सारा कुछ हुआ, थोड़ा अल्कोहल भी उन्होंने लिया था। एंड अमन मतलब गाँव का लड़का, उसने पहली बार ये सब किया तो अमन का थोड़ा सा सिर चकराने लगा। एंड अमन तब मतलब सिटी में आया था बहुत ही लिमिटेड पैसा लेके, मतलब होता है ना कि गांव से कोई जाता है तो आप लोग रिलेट कर पाओगे, जितने भी लोग गांव से शहर में आता है पढ़ाई करने के लिए, काम करने के लिए, कोई भी अपना मतलब गुजारा करने के लिए, तो अमन के पास उतना पैसा था नहीं कि वो एक कैब करके फिर घर जाए। क्योंकि देखो पैसा तो था पर अगर ऐसे ही खर्च करने लगे मतलब सिटी लाइफ में, तो फिर गाँव में माँ बाप का हालत कैसा होगा। अमन ने यह बात ध्यान में रखते हुए मुकेश को यह कहा देख भाई, मैंने कभी ये सब पिया विया नहीं है, बियर शेयर जो भी होता है, तो मुझे थोड़ा सा सिर में चक्कर आ रहा है तो मैं घर जा रहा हूँ। एंड उसके अगले दिन ही संडे था तो उसने कहा मुझे संडे को बहुत सारा काम है तो मैं नहीं चाहता कि वो सारा कुछ वेस्ट हो जाए, तो मैं जल्दी घर चला जाऊँ, तुम लोग इन्जॉय करो। तो मुकेश ने कहा ठीक है मैं कैब बुक कर दे रहा हूँ। पर अमन एक ऐसा टाइप का लड़का था कि अमन को वो सब पसंद नहीं था कि नहीं मैं आयो मैं ही जाऊँगा। तो मुकेश ने कहा भाई नहीं, अगर तेरे पास ऐसा ऐसा है तो मैं तेरे तुझे दे रहा हूँ पैसा, कोई बात नहीं, तू मेरा दोस्त है। पर अमन ने कहा नहीं भाई मेरे पास पैसा है। अमन के पास बिल्कुल भी पैसा नहीं था कैब का। तो अमन ने सोचा चलो इन लोगों को क्या ही पता लगता है, मैं मेट्रो स्टेशन घर चला जाऊँगा एंड उतना इधर उधर देखूंगा नहीं। क्योंकि मैंने पहले बताया मुकेश ने अमन को कहा था कि मेट्रो स्टेशन को रात के टाइम अवॉइड करना। एंड अमन का उस दिन इतना बुरा हाल था, अमन को चक्कर आ रहा था क्योंकि अमन ने थोड़ा सा अल्कोहल ज्यादा ले ली थी, क्योंकि अमन को समझ ही नहीं था। उसके साथ साथ अमन का किस्मत भी उस दिन फूटी थी। अमन को उस मेट्रो स्टेशन में ऐसे टाइम पे जाने को मिला, मतलब ऐसे टाइम अमन गया कि लास्ट ट्रेन का जो पहला वाला ट्रेन होता है, जैसे ही अमन वहां पे एंटर किया वो ट्रेन निकल गया। एंड मेट्रो स्टेशन में अगर आप ट्रेवल करते हो पता होगा, टिकट के बिना अब ना तो अंदर आ सकते हो ना तो बाहर। तो फिर वो करने में टाइम लग गया। उसके बाद उसके ठीक 10-15 मिनट बाद एक ट्रेन आना था जो कि लास्ट ट्रेन है रविंद्र सरोवर स्टेशन से अमन के घर तक। तो अमन जैसे ही मेट्रो स्टेशन में आया तो वैसे ही देखा कि बहुत सारे और भी लोग हैं जो लास्ट ट्रेन का इंतजार कर रहा है। एंड तब मतलब ऐसा अमन को थोड़ा सा शेकी फील हो रहा था, विजन थोड़ा ब्लर लग रहा था। तो अमन ने सोचा कि नहीं थोड़ा सा यहाँ पे रुक जाता हूँ, बैठ के थोड़ा सा मतलब ऐसा होता है ना कि आग बन के थोड़ा सा बैठ लेता हूँ ठीक हो जाएगा। एंड जब लास्ट ट्रेन आएगा अनाउंसमेंट तो होगा, उसके साथ साथ मतलब जितना भी ट्रेन का हॉर्न होता है लोग आसपास से चलेंगे तो मुझे साउंड से पता लग जाएगा। तो अमन ऐसे आग बन कर कान में ईयरफोन्स डाल के सो गया। अब अमन ने देखा अमन को
क्लियरली देख रहा है, मतलब दिख रहा है अमन को, कि दो इंसान जिनका सिर नहीं है वो सामने से आ रहा है। एंड अमन वहां से हिल नहीं पा रहा है। अमन को तब लग रहा है कि अमन पैरालाइज हो गया। अमन एकदम क्लियरली दिख रहा है कि वो दो जने आ रहे हैं, एक जने के हाथ में एक ऐसा बड़ा रॉड है एंड एक जने के हाथ में इतना मोटा, मतलब रोप जिसको, फंदा जिसको कहते हैं, वो है। एंड उन दोनों के आने से ऐसा लगता है कि वो अमन को मार के ले जाने के लिए आ रहे हैं। एंड तब अमन एक पल के लिए भी अपना ना हाथ ना पैर ना आईलिड्स ये भी क्लोज अप नहीं कर पा रहा था। मतलब अमन को लग रहा था अमन का पूरा बॉडी 100% बॉडी पैरालाइज हो चुका है। अमन मन में ही मन में, मतलब जो भी हनुमान चालीसा है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, ये मतलब मन में बड़बड़ाने लगा, मन में ये उसको बोलने लगा। अचानक से अमन ने देखा सामने कोई नहीं है। अमन को लगा हनुमान चालीसा के कारण अमन अब सेफ है। जैसे ही अमन ने चालीसा का पाठ करना बंद कर दिया, वैसे ही देखा फिर से वो दोनों लोग दौड़ के आ रहे हैं अब। एंड वो ऐसे दौड़ के आ रहे कि अभी के अभी मार के अमन को लेके जाएगा। पलक झपकते ही अमन को लगा कि उसने, मतलब जो दौड़ के आ रहा था जिसके हाथ में एक मोटा सा रॉड था, वो अमन के सिर पे मारा। अमर बेहोश होकर गिर गया। एंड वो जो दूसरा बंदा था उसके साथ जिसका सिर नहीं था, मतलब तो दोनों का ही सिर नहीं था, पर जो दूसरे बंदा था जिसके हाथ में रोप था, उस रोप से अमन का पैर को ऐसे टाइट करके बांध के ले जा रहा है घसीटते घसीटते। तब अमन का नींद खुल गया। अमन ने जो देखा वो देखने के बाद अमन खुद वहां पे बैठा का बैठा रह गया। अमन ने देखा घड़ी में सिर्फ 2 या 3 मिनट हुआ है। अमन ने देखा अभी भी लास्ट ट्रेन आने में 10 मिनट बाकी है। एंड ट्रेन स्टेशन में सारा, मतलब जितने भी लोग थे वो प्रेजेंट है। अमन ने देखा अमन जहां पे बैठा हुआ था वहीं पे बैठा हुआ है। तो अमन को लगा कि नहीं, अमन ने सपना देखा होगा। एंड अमन को इस बात से तसल्ली मिली कि नहीं, मैंने सपना देखा, ये सब चीज रियल में मेरे साथ नहीं हुआ। तो अमन ने कहा चलो अब 10 मिनट वेट करते हैं एंड फिर उसके बाद घर चले जाएंगे ना, हाथ जोड़ के। तो एक बार कहा बजरंग बली, आपने मुझे सेफ कर लिया। इसके बाद जो होना था अमन के साथ, मतलब वो सुनने के बाद आपका रूह कांप उठेगा। जैसे ही स्टेशन में ट्रेन घुसा, ट्रेन का मतलब जो डोर होता है मेट्रो का ऐसे खुलता है, तो जैसे ही ऐसे खुला ट्रेन का डोर, अमन ने देखा वही दो लोग जिनका सिर नहीं है वो मतलब एक ऐसा एक रॉड है वो लेके हाथ में ऐसे ऐसे कर रहा है। एंड दूसरे वाला बंदा जिसका हाथ में वो फंदा था वो ऐसे हाथ से घुमा रहा है। एंड उनका बॉडी लैंग्वेज देख के ऐसा लग रहा है कि वो अभी के अभी अमन को मार के लेके जाएगा। एंड तब भी अमन का कंडीशन वही सेम सपना जैसा था, अमन मूव नहीं कर पा रहा, अमन का आईलिड्स भी क्लोज नहीं हो पा रहा। एंड अमन देख रहा है कि सारे लोग मेट्रो स्टेशन, मेट्रो में, मतलब मेट्रो का जैसे डोर खुल गया मेट्रो में उठ रहा है जाने के लिए, पर अमन वही के वही बैठा रह गया। 2 मिनट बाद ट्रेन वहां से निकल गई जो कि लास्ट ट्रेन था अमन के घर का। तब अब ये सब चीज अमन के रियल लाइफ में हो रहा है कि ना कि सपने में। ट्रेन निकल गया पर जो वर्ड थिंग अमन ने देखा, अमन के बिल्कुल सामने वो दो लोग हवा में खड़े हैं एंड एक जने ने वहां पे रॉड फेंक के अमन की तरफ मारा। उसके बाद अमन को कोई भी होश नहीं आया। अचानक से अमन का नींद या फिर हेलुसिनेशन बोल सकते हो, किसी ने पानी छिड़क के फिर मतलब उस हेलुसिनेशन से बाहर आया। एंड फिर अमन ने आंख खोल के ये देखा कि वहाँ का जो स्वीपर है वो ऐसे बता रहा है कि ए भाई यहाँ पे क्यों सो रहे हो, घर पे जाके सो। तो अमन को लगा कि नहीं, वो ट्रेन में मिस हो चुका है एंड अगर मैं यहाँ पे और रुकूंगा तो मेरे लिए खतरा है। अमन को तब समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब अमन के साथ हो क्या रहा है, अमन क्या हेलुसिनेट कर रहा है या फिर अमन को रियल लाइफ में ये सब देख रहा है या फिर अमन सपना देख रहा है।
तो जैसे ही अमन दौड़ के वो इलेक्ट्रिक स्केटर होता है जो वहां पे गया, अमन को वही दो लोग दिखा कि उस सीढ़ी के एंड में खड़ा हुआ है। अमन वहां से नीचे उतरने में भी डर रहा था। तो फिर वो जो स्वीपर था उसने कहा कि ये स्टेशन बंद हो चुका है, कृपया आप घर चले जाओ, यहाँ पे रात को रुकना बिल्कुल भी सेफ नहीं है। तो अमन ने ऐसे पीछे मुड़ के सुना उस बात को, एंड जैसे ही पीछे से आगे मुड़ा अमन ने देखा वो लोग गायब है। अमन ने हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते भागा उस स्टेशन से, यानी कैब बुक करके, मतलब जितना पैसा लगा लगने दो, कैब बुक करके घर चला गया। उसके बाद अमन को रात भर बुखार, फिर अमन ने अपने गांव में कॉल किया कि ऐसा ऐसा हुआ मेरे साथ, फिर अमन के गांव से बोला कि तुम घर आ जाओ। उसके बाद अमन घर गया एंड फिर सब ओझा होता है ना बाबा टाइप, तो वहां पे दिखाया एंड उसने कहा कि मतलब उस बाबा ने कहा कि उस दिन, मतलब वो जो दो लोग थे, मतलब बाबा ने कि बताया उन्होंने सुसाइड किया था एंड वो तुम्हें तुम्हारे साथ ले जा रहे थे। ये तो भगवान का बहुत बहुत शुक्र है कि तुमने तब हनुमान चालीसा का पाठ कर लिया था तो वो लोग तुम्हें कुछ कर नहीं पाए, वरना शायद आज तुम हमारे इस बीच ना होते। इसके बाद अमन ने ऐसा लिखा है कि भैया मैंने जिंदगी में अभी, मतलब जिंदगी में अमन मेट्रो पे नहीं चढ़ेगा कुछ भी हो जाए। एंड उस दिन के बाद, अभी 3 साल हो चुका है, उस दिन के बाद अमन कभी भी मेट्रो स्टेशन पे नहीं गया, मेट्रो ट्रेन पे नहीं चढ़ा। अमन को लग रहा था कि तब मुझे भले ही रास्ते में 2-3 घंटा ज़्यादा लगे, मुझे टाइम सेव करने के लिए मेट्रो पे चढ़ना ही नहीं है, कोई भी मेट्रो पे। तो ये था आज का स्टोरी, उम्मीद करता हूँ आपको बहुत बढ़िया लगा होगा। अगर बढ़िया लगा है तो ये एक स्टोरी अपने लव्ड वंस, अपने क्लोज्ड वंस के साथ शेयर कर देना। थैंक यू अमन, अपने स्टोरी सेंड किया। एंड ये सब चीज़ अगर मेरे साथ भी होता तो मैं क्या करता पता नहीं, मतलब ये सब सोच के ही रूह कांप उठता है। तो अमन ऐसे ही अगर आपके पास और भी डरावना इंसिडेंट है तो मुझे सेंड करना एंड मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।